गर्मी का मौसम शुरू होते ही फायर ब्रिगेड पूरी तरह से सतर्क हो गया है, जिसको लेकर रविवार को एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने गोलघर स्थित फायर स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसएसपी ने फायर स्टेशन में आग को बुझाने के लिए रखी गई गाड़ियों और संयंत्रों की चेकिंग की। एसएसपी ने खुद अपने हाथों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से वाटर कैनन को छोड़कर उसे चेक किया तथा बाइक से चलने वाले संयंत्रों की भी जाँच की। गौरतलब है कि गर्मी का मौसम शुरू होते ही आगजनी की घटना बढ़ने लगती है, कभी घरों में तो कभी खेतों में भीषण आगजनी हो जाती है, यहां तक कि कभी कभी तो चलती गाड़ियों में भी आग लग जाती है, जिसको देखते हुए फायर ब्रिगेड के पास इस समय अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं जो 10 से 15 मंजिला बिल्डिंगों पर भी आग लग जाए तो काबू पा सकती हैं। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि फायर विभाग के पास इस समय अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी तहसीलों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भिजवा दी गई हैं। कोशिश की जा रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे आग लगने की समस्या ही न उत्पन्न हो पाए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, पुराना स्टोर है ये। देखिए प्रोविजन है फायर किसी में जैसे फायर एजेंट बने हुए हैं किसी बड़ी दुकान लगातार आग लग रही है। वो जो आपकी टीम है टीम के ऐसे लोगों लोग चलाते रहते हैं सब, काफ़ी लोगों ने किया दूसरा सर, कुछ लोग यहाँ से रात चलते चलते हैं, लोगों ने शराब होगी पता नहीं लोग सर। ये अपना जो सप्लाई लाइन है सर, अच्छा वही वो उससे जुड़ा होगा वो भर देता है, वो प्रेशर मिलता है, गाड़ी हमारी भर जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती सर। सब निकाल के भी कांसरिया भी आ रहा है, काम चल रहा है।
अब देख सकते हैं कि इस समय अप्रैल का आधा महीना बीत रहा है और मई और जून तकरीबन ढाई महीने का समय बहुत कीमती होता है और बहुत क्रुशियल होता है फायर सर्विस के हिसाब से। और अभी नई योजना के तहत फायर सर्विस की डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग कर देते हैं, हमें एडिशनल फायर पावर मिली हुई है फायर सर्विस को, और उसके तहत हमने तहसील मुख्यालयों पर भी अभी अभी गाड़ियाँ भेज दी गई हैं, जबकि ऑफ सीज़न में ऐसा नहीं होता है। और हमें बाहर से बहुत अच्छी मशीनें आई हैं, जैसा कि आपने देखा आज उनका हमने निरीक्षण किया और डेमो किया। और छोटी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, जो गली कूचों में जा करके एक दो कमरे की आग तुरंत बुझा सकती हैं। फोम भी है, आपने 26 जनवरी को ये भी देखा था कि हमारे पास ऐसी गाड़ी भी है जो 10 मंजिला 15 मंजिले तक के उसमें हम एस्केप कर सकते हैं, रेस्क्यू कर सकते हैं और उन्हें लोगों को बचा सकते हैं। तो इस तरह से फायर सर्विस हमारी गोरखपुर की बहुत अच्छी है और अभी तक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। रिसेंटली जैसा आपने देखा था सिटी मॉल में एक छोटी सी आग थी और उसको वहीं का वहीं कंट्रोल कर दिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो फायर सर्विस के नियम हैं, जो फायर हाइड्रेंट्स बनाने हैं, फायर की जो लाइन्स बनानी है और जो व्यवस्था रखनी है कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में, वो ज़रूर रखें। और निजी गाड़ियों में भी आजकल फायर के बहुत छोटे छोटे सिलेंडर्स टाइप के आते हैं 500-700 रुपए के, और उनको गाड़ियों में अपने साथ रखना चाहिए, किचन में लगा के रखना चाहिए, छोटे बच्चों को और महिलाओं को भी ट्रेंड करके रखना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे घरेलू उपकरण भी ऐसे हैं जो आग बुझाने का काम करते हैं, जैसे उसमें सबसे ज़्यादा जो है इस तरह का किसी भी तरह का जो फोम होता है, वाटर बेस्ड जो फोम होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, आप बिल्कुल उससे बचें। गर्मियों में बहुत सारे लोग पेट्रोल टंकी फुल करते हैं, उससे भी आगजनी की संभावना रहती है। तो इस तरह की सावधानियों के लिए हमने पंपलेट भी हैं, पंपलेट बांट रहे हैं, उन पंपलेट्स को आप लोग पढ़ें और उनसे जागृति लाएँ। और इस साल का फायर सर्विस का मिशन यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन फायर फाइटिंग, यानी कि हमें आग बुझाने की ज़रूरत ना पड़े, आग लगनी ही नहीं चाहिए। तो हम सब लोग मिलकर के अपने देश को, अपने समाज को सुरक्षित बनाएंगे, यही संदेश है आज का अग्निशमन सेवा की तरफ से।